भाई अब देखो इसके पत्थर उड़ के आएंगे पीछे मेरे। अरे यार हद हो गई। लोग तो है बीच बीच बैठ गए रोड के ना फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। देखो कितनी पब्लिक आई हुई है भाई, कितनी पब्लिक आई हुई है। चलो जी 6 बज गए करीब, 4 मिनट रह गए। और देखो व्यू यहाँ से कितना प्यारा दिख रहा है अभी। ये पूरा चंबा है और ये पूरे पहाड़ मस्त वाले, और ये इनका होटल है। और हमने अपना टैंक बैग ले लिया फिर से एक बार, इसमें कैमरा रखा हुआ है मैंने। बाकी देख के आते हैं डोबरा चांटी पुल, ये रास्ता है ऊपर जाने का। ये आगे जी बाहर होटल रेस्टोरेंट है, नाम कहाँ लिखा है, धनजीत पैलेस। तो होटल धनजीत पैलेस है, देखो इस तरीके से पूरा है लाल कलर का। चलो जी निकल तो चुके हैं फिलहाल डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज देखने के लिए, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है वो। और रात को जब लाइटिंग होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, देखते हैं कैसा लगता है। बाकी यहाँ से जो है 45 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 24 किलोमीटर है। तो अभी 6:10 हो रहे हैं और 6:52 का टाइम दिखा रहा है। वैसे तो रोड बनाई जा रही है, तगड़े काम चल रहा है। बिल्कुल फ्रेश है भाई, इसमें ना पत्थर ना एकदम से टायर फंस फंस के उछल उछल के आते हैं। इस वाले पे चली आती है ना बाइक तो बड़ा ही। अब देखो इसके पत्थर उड़ के आएंगे पीछे मेरे। यार हद हो गई, फ्रेश रोड बनी है ना एकदम, ये पत्थर निकल निकल के आ रहे हैं बाहर। यहाँ रोकता हूँ साइड में ज़रा, यहाँ से देखो यार क्या खूबसूरत सीन है यहाँ पे। ये देखो क्या मस्त ब्यूटी है यार, एक नंबर। ये खेत हैं सारे के सारे, यहाँ पे खेती हो रखी है किसी ना किसी चीज़ की। और पीछे मंदिर देखो, जय बगासु महादेव, कहाँ जाके मंदिर बनाया हुआ है। और वहाँ भी मंदिर है, घर भी हैं साथ में, जगह जगह मंदिर तो मिल ही जाएंगे। देव भूमि है भैया, मंदिर तो मिलेंगे जगह जगह। बाकी कहाँ कहाँ बीच बीच में घर बने हैं वो देखो आप, उधर ऊपर साइड में इधर, ये और उधर। और ये पहाड़ को काट के किस तरह रास्ता बना दिया गया है, बिल्कुल मस्त वाला ब्यूटीफुल एकदम। ऊपर आग लगी हुई है शायद, या जानबूझ के लगाई है साफ़ सफाई करने के लिए। और ये खड़ी अपनी होंडा हाइनेस। इन हसीन वादियों में आकर यार दिल खुश हो जाता है। पूरे एक महीने बाद आ रहा हूँ मैं और बस मस्त मज़ा आ गया। डोबरा के लिए हमें यू टर्न लेना है, यहाँ से आगे जाएंगे तो टिहरी डैम की तरफ पहुँच जाएंगे। और डोबरा चौथी पुल 13 किलोमीटर है, उत्तरकाशी 97 किलोमीटर है, प्रताप नगर यहीं से जाता है रास्ता, वहीं से आप जाओगे आगे आकर सेम मुखेम के लिए। और डोबरा चांटी पुल जाना तो भैया एक छोटा सा पुल पार करना ही पड़ेगा, जो कि ये है सामने मेरे। पहुंचने वाले हैं, बस 4 किलोमीटर रह गया है। और रोड ऐसी नैरो चल रही है कंटिन्यूसली,
बाकी गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं है इसमें, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे ठंड भी नहीं है, मैं खामा का सोच रहा था ठंड होगी, मगर मौसम जो है एकदम डिसेंट है, बढ़िया। तो ये है डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज, इंडिया का लार्जेस्ट ब्रिज है भाई ये। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाया हुआ है, और देखो रात को लाइटिंग होगी तो मज़ा आ जाएगा देखने में। सब बीचों बीच एकदम बैठ के सेल्फी ले रहे थे यार, कमाल हो गया, सबको भगा दिया मैंने। अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए। सुपर व्यू है, अभी देखो लाइटिंग जलती है तो पता चलेगा एक्चुअली में। तो ये ब्रिज ही है जो जोड़ता है इन सब जगह को, प्रतापनगर को, उत्तरकाशी को, राजा खेत, लंबगांव, यहाँ से सेम उखेम के लिए रास्ता आता है प्रतापनगर से होते हुए, तो वो भी काफ़ी पास हो गया है यहाँ से। पहले वो टिहरी डैम के आगे से पूरा घूम के आना पड़ता था चक्कर काट के, तो काफ़ी टाइम लगता था। अब क्या है ना, यहाँ से काफ़ी चीज़ें पास हो गई हैं। चलिए एक शॉर्ट टूर कर लेते हैं इसका पैदल पैदल। मंकी मंकी घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। ये को लाइटिंग्स लग रही है नीचे ना सारी जगह, ये लाइटिंग्स जो है जलेंगी रात को तो काफ़ी ज़्यादा चमक जाएगा एकदम मस्त। किस तरीके से इसको यार फिटिंग करिए, देखो कितने बड़े बड़े नट्स हैं इसमें, खतरनाक फिटिंग करिए इसकी। चलो जी, जिस चीज़ के मैं रुका था यहाँ पे ना, मैं 7 बजे से पहले आ गया था यहाँ पर, और अब करीब 7:55 हो रहे हैं, तो करीब 1 घंटा हो गया, और अंधेरा होने के बाद ही यहाँ पर लाइटिंग होती है एक्चुअली में, ये भी अच्छी भी लगती है। तो फाइनली जो है लाइटिंग हो चुकी है, आपको दिखाता हूँ मैं ज़रा किस तरह की लाइटिंग हुई है। वाओ, क्या ब्यूटीफुल लाइटिंग है यहाँ पे इस ब्रिज पे, और ये कलर चेंज हो रहे हैं इसके कंटिन्यूसली, कभी पिंक, कभी येलो, कभी रेड, कभी ग्रीन। देखो वाकई में ब्यूटीफुल, और ब्रिज के अंदर बीच से दिखाने में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना बाहर से आ रहा है। वैसे मैं बीच से भी दिखा दूंगा, मगर ये बाहर से देखो असली लाइटिंग यहाँ से पता चल रही है। ये देखो व्हाट अ ब्यूटी मैन, क्या ब्यूटी है सस्पेंशन ब्रिज की, इंडिया का लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, और जिस तरह से नट बोल्ट से कसा हुआ है आपको दिखाया मैंने, काफ़ी कमाल का ब्रिज बनाया हुआ है।
चलिए एक बार बीच में लेकर चलता हूँ मैं आपको, और बीच से दिखाते हैं क्या व्यू आ रहा है इसका। ये तो था बाहर से साइड का व्यू, और यही बेस्ट है वैसे तो। अपना हेलमेट ले लेता हूँ मैं, उसमें गोप्रो भी लगा हुआ है एक्चुअली में, बैग यहीं छोड़ देते हैं। ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ आपको मैं, बिल्कुल हाइट से नीचे का व्यू दिखाता हूँ पूरा। क्या ब्यूटीफुल सीन है यार, अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा। इसके जो वायर्स हैं सस्पेंशन वाले, उनमें भी लाइटिंग चमक रही है एकदम, और ऊपर से जॉइंट है वहाँ पे भी देखो। लोग तो भाई बीचों बीच बैठ गए रोड के ना, फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखो सामने से, ये पास में है ना, ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा है। पुल के बीच से दिखा रहा हूँ मैं आपको ये वाला सीन। इसमें जो ये स्टार्टिंग है इसका, एंट्रेंस वाला जो पोल है वो बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, अच्छा एकदम सुंदर। और इधर से जो है ना, इसकी जो सस्पेंशंस हैं वो काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। तो इसी के लिए मैं 1 घंटे से यहाँ रुका रहा यहाँ पर, कि भैया जब रात होगी लाइटिंग होगी तब दिखा के जाऊँगा आज को मैं यहाँ पर। कई सारे लोग चले गए इंतजार करते करते, 10 मिनट रुका कोई, 15 मिनट रुका कोई, आधा घंटा रुका, मगर मैं रुका तो उसका फल मिल ही गया बढ़िया वाला। आखिर इसी के लिए आया था, देखने के लिए, इसकी लाइटिंग को देखने के लिए, बहुत बढ़िया। चले निकलते हैं अब, काफ़ी टाइम हो गया, 8 से ज़्यादा बज गए, और पहुँचना ही होटल, 1 घंटा लगेगा होटल पहुँचने में। देखो कितनी पब्लिक आई हुई है भाई, कितनी पब्लिक आई हुई है। रात को यहाँ पे पूरा पिकनिक स्पॉट रहता है पूरा। क्या मस्त सीन है यार, बहुत ही ज़्यादा गजब का। जिस तरीके से लाइटिंग चेंज हो रही है ना, एक अपने सिग्नेचर बीच में भी रहता है बहुत ही अच्छा, उसमें भी लाइटिंग चेंज होती है, काफ़ी बढ़िया लगता है वो भी। ये अलग ही अल्टीमेट है यार, पहाड़ों पे इस तरह का आपको मिलना सीन, मतलब सोच भी नहीं सकते। ये तो सामने से जो गाड़ियाँ आ रही है ना, उनके लाइट से ना जो है इनकी रोशनी फीके पड़ जा रही है थोड़ी सी, मगर अभी ठीक है। कोई मेरे साथ होता है एक तो मैं फ़ोटो खिंचवाता अपनी। वैसे बीच में बाइक खड़ी करना, गाड़ी खड़ी करना अलाउड नहीं है, बार बार अनाउंसमेंट भी हो रही है, लोग गलती से खड़ी कर दे रहे हैं। गलती से क्या, फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़ी कर दे रहे हैं। मेरे साथ कोई होता तो मैं भी 1 मिनट के लिए खड़ी कर देता, बस कुछ सेकंड के लिए खड़ी कर देता, बस फ़ोटो खिंचवा के निकल जाते। चलो जी ब्रिज को करते हैं बाय बाय। एकदम घुप वाला तगड़ वाला अंधेरा है एकदम, और बाइक की जो रोशनी है ना काफ़ी अच्छी पड़ रही है, सही लग रही है यार, एकदम मस्त चमक रही है रोड, बढ़िया वाली। यहाँ पता नहीं क्यों मुझे रोशनी याद लग रही है बाइक की, आज अच्छा लग रहा है देखने में काफ़ी। बस भैया पहुंच ही गए अब, तो सब दुकानें शुकानें बंद हो रही हैं, और हमको खाना खाना है भैया, कैसे खाऊंगा, ये रहा कहाँ जा रहा हूँ मैं, ये रहा पहुंच गए अपने होटल धनजीत।
फाइनली आ गया अपने होटल में, होटल धनजीत। और टाइम देखो भाई, 9:24 हो रहे हैं। बड़ी हालत ख़राब हो गई है, रास्ता तो सुबह से भाग ही रहे हैं बस। और ब्रिज देख के मज़ा आ गया, काफ़ी अच्छी लाइटिंग होती है वहाँ पर, तो लोग भी बड़े अच्छे मतलब काफ़ी आते हैं और पिकनिक स्पॉट बन चुका है एक तरीके से। काफ़ी गाड़ी आई हुई थी, काफ़ी जब मैं जा रहा था तो और बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो ये देखो, ये है सामने चंबा की लाइटें यार, पर शहर चंबा एकदम जगमगा रहा है, मस्त एकदम। चलिए लेता हूँ आपसे मैं अलविदा। आप लोग अच्छा लग रहा हो तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, मोटिवेशन मिलती है उससे काफ़ी। बाकी लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।